बेरोजगारी की मार झेल रही युवा विदेश में अच्छी नौकरी और अच्छे पैसे कमाने के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन कई बार युवा धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही चार मामले डीडवाना में सामने आए हैं, जिनमें जॉब के लिए रूस गए चार युवकों को रूस यूक्रेन युद्ध में झोंक दिया गया। इन युवाओं को नौकरी देने की बजाय रूस की सेना में भर्ती करा लिया गया है। ऐसे में ये युवा अच्छे पैसे कमाना तो दूर, अपनी जान बचाने के लिए भी संघर्ष करने को मजबूर हैं। डीडवाना से रूस गया एक युवक नोमाराम तो इस युद्ध में गोली लगने से घायल भी हो चुका है, तो वहीं कई युवा अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। दूसरी ओर इन युवाओं के परिजन उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने भारत सरकार से इन युवकों की सुरक्षित वापसी की मांग की है, साथ ही मौलासर पुलिस थाने में मामला भी दर्ज कराया है। आपको बता दें कि रिक्शा का बास के रहने वाले नोमाराम की पत्नी ने मौलासर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने बताया कि महेंद्र नामक एजेंट ने उनके पति को रूस में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी का झांसा देकर 25 जनवरी को रूस भेजा था। इसके लिए नोमाराम से 5 लाख रुपए भी लिए थे और प्रति माह 2 लाख रुपए का वेतन दिलाने की बात कही थी, लेकिन रूस पहुंचने के बाद उनके पति को रूसी सेना में शामिल कर युद्ध लड़ने भेज दिया गया। महिला ने बताया कि उनके पति का मोबाइल जब्त कर लिया गया है और उन्हें युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया है, जहां उनके हाथ और पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए हैं। भाई राम राम बैठे हैं भाई, मतलब थोड़ी बहुत लाग गई जना भाई रंजीत है जो ट्रेनिंग में बटा चाह रहे, कोई परेशानी वाली बात को नहीं भी है, क्यों बारे जाओ जन है बट नागन भेजे जन परेशानी है, बाहर तो आराम बैठे हैं, कोई परेशानी वाली बात है कोई भाई, मैं तो हॉस्पिटल के मैं बैठे होते देख लो कोई लार ने सब खाली जगह है ना, को लाई मार को आठ को थोड़ी सी चाटो लग गई है ठीक है, टेंशन वाला कोई बात नहीं, टेंशन कर लो गर्गन सन के बोले टेंशन वाली कोई बात है नहीं, आराम बैठे हैं मगा बट अगन भेजे जन टेंशन रे आगे कोई मगा लिया कोने ना भेजे अब तो ते प्रोसेस लगा दी बड़ो पाच बचले जब बाकी बात भाई जन। हमारा ये मामला है कि मेरे पति को धोखाधड़ी से महेंद्र कुमार बिजानिया ने रशिया भेजा था कंप्यूटर ऑपरेटर के काम के लिए, वहां से 1 महीने तक तो 15-20 दिन मेरी बातचीत होती रही, फिर फोन जब्त कर लिया गया, उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ मेरा। परसों शाम को मेरे को टेलीग्राम पर अनजान नंबर से कॉल आया, उसमें बताया गया कि वो यूक्रेन के युद्ध में जख्मी हो गए। अब आपकी क्या मांग है? अब मांग है कि जल्दी से जल्दी उनको वापस इंडिया बुलाया जाए। आज वो महिला ऊपर के थाने आई है और उन्होंने अपने उस पति का पासपोर्ट की डिटेल और जो जिस टिकट से गए थे उस टिकट की और वीजा की कॉपी पेश की है, उसके आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया जा रहा है। और इसी प्रकार से मेरा बच्चा गया था 26 जनवरी को और साथ ही नेमाराम, और ये दो है, एक सबलपुरा के और एक लादरिया का, ये गए हैं 6 फरवरी को, तो इनका भी मिलाप कभी कभी होता, लेकिन इनको भी आर्मी में फ्रंट में टेका गया, जबकि फ्रंट में 15-20 दिन की ट्रेनिंग दी वो भी कुछ नहीं है और फिर भी उनको लड़ाई के लिए भेज दिया गया। तो ये मेन यहाँ के एजेंटों का झांसा है जो तो अच्छे पैसे का लालच दे करके वहाँ भेज देते हैं और ये अपना प्रॉफिट ले लेते हैं और बाकी कोई मतलब नहीं है। अब आप थाने आए हो, आपने रिपोर्ट देते हुए क्या मांग की? अभी पुलिस ने मांग की है कि पहला सबसे पहली मांग हमारी यही है कि हमारे बच्चे सुरक्षित वापस आए, उसके बाद में आगे की कार्रवाई है गवर्नमेंट अपने हिसाब से करेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता जहीर अब्बास उस्मानी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जहीर आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये मामला अब खुलकर प्रकाश में आया है कि रूस में जो राजस्थान के चार युवक नौकरी करने गए थे उन्हें युद्ध में झोंक दिया गया है, इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन तक जानकारी पहुंचाई गई है, क्या कुछ कहा गया है और इस पूरे मामले में ताजा अपडेट आपके पास क्या है? आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार आप अनम्यूट कीजिए। एक युवक रंजीत नामक एक अन्य युवक के साथ रूस गया था, जो बताया जाता है कि धनकुली के एक एजेंट ने इन युवकों को विदेश में रूस में अच्छी नौकरी का झांसा देकर भेजा था, बताया गया था कि इन युवकों को वहां कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी मिलेगी और इसके एवज में उन्हें अच्छी सैलरी भी मिलेगी, लेकिन जब ये युवक वहां पहुंचे तो इनके साथ धोखाधड़ी हुई और इन्हें जबरन जो है वो रूस की सेना में शामिल कर लिया गया और उन्हें फ्रंट मोर्चे पर लड़ाई लड़ने के लिए यूक्रेन के आगे कर दिया गया।
इस घटना में नेमाराम के हाथ और पैर में गोली लगी है और नेमाराम रूस के अस्पताल में भर्ती है। वहीं जो तीन अन्य युवक हैं, दो युवक और बाद में गए थे 6 फरवरी को, कुल मिलाकर 4 युवक हैं जो इस रूसी सेना में भर्ती कर लिए गए और सभी के कुछ ना कुछ छोटी या मोटी चोटें आई है और इनके परिजनों ने अब यह मांग उठाई है प्रशासन से और सरकार से कि इन युवकों को सकुशल वापस लाया जाए। आज सभी जो पीड़ित हैं उनके परिजन पुलिस थाने भी पहुंचे थे जहां उन्होंने एजेंटों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया है। साथ ही भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से ये मांग की है कि 4 युवकों की सकुशल भारत वापसी करवाई जाए। जी बिल्कुल जहीर, जिस तरीके से परिजनों की तरफ से पुलिस स्टेशन में जाकर मामला दर्ज कराया गया है, मांग की गई है कि सुरक्षित इन 4 युवकों को भारत लाया जाए, एजेंट को लेकर क्या कोई जानकारी मिल पाई है? क्या और भी लोगों को इस तरीके से फंसाकर विदेश में नौकरी के झांसे में इस तरीके से जो युवक लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, फिलहाल 4 युवकों के बारे में जानकारी मिली है, तो इस एजेंट के बारे में क्या कोई जानकारी हासिल हो पाई है प्रशासन की तरफ से? जी देखिए, अभी फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है, एजेंट के बारे में पुलिस अब जानकारी जुटाने में जुटी है और पुलिस का ये भी दावा है कि एजेंट को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, डीडवाना जिले में ये कोई पहला मामला नहीं है जब एजेंटों द्वारा इस तरह की धोखाधड़ी की गई है। आमतौर पर जो भाषा इस्तेमाल की जाती है उसके मुताबिक ऐसे घटनाक्रमों को कबूतरबाजी कहा जाता है। पूर्व में भी कई एजेंट जो है वो विदेश भेजने के नाम पर युवकों के साथ धोखाधड़ी कर चुके हैं। इस प्रकार के कई मामले पूर्व में भी सामने आ चुके हैं जिनमें कई खाड़ी देशों में भी कई युवक फंस गए थे, चाहे वो चाहे सीरिया का मामला हो, चाहे इराक का मामला हो, कई जगहों पर युवक जो है वो फंस गए थे जिन्हें बाद में भारत सरकार ने निकाला था। तो इस तरह के मामले पूर्व में भी आते रहे हैं लेकिन इस तरह के जो एजेंट है उन पर सही ढंग से अंकुश नहीं लग पाने के कारण ये एजेंट जो है आए दिन लोगों को ठगते रहते हैं और उनके साथ धोखाधड़ी करते रहते हैं। जी बिल्कुल, फिलहाल ये जो 4 युवक इस वक्त राजस्थान के रूस में फंसे हुए हैं, क्या कोई संपर्क परिजनों से हो पाया है? जी देखिए, परिजनों से हमने बात की है, परिजनों ने अभी हमें 2 वीडियो उपलब्ध करवाए हैं जो उनसे बात की गई थी, जिनमें से 2 वीडियो हमारे पास उपलब्ध हैं। उन दोनों वीडियो में एक वीडियो में जो है नेमाराम ये कहता हुआ साफ नजर आ रहा है कि उसे कंप्यूटर ऑपरेटर की बात कहकर के रूस भेजा गया था और प्रारंभिक तौर पर उसे ट्रेनिंग लेने के लिए कहा गया था लेकिन यहाँ ट्रेनिंग के बाद उसे रूस की जो आर्मी है उसमें शामिल कर लिया गया और उसे फ्रंट मोर्चे पर लड़ने के लिए भेज दिया गया जिससे उसके पैर और हाथ में गोली लगी है। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है और उपचार ले रहा है जबकि जो बाकी 3 युवक हैं उनके भी छोटी मोटी चोटें आई हैं और वो भी अस्पताल में उपचाररत हैं। जी बिल्कुल जहीर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि ये पहला ऐसा मामला नहीं है राजस्थान में, इससे पहले भी ऐसे तमाम मामले आए हैं सामने जिनमें ये देखने को मिला है कि एजेंट नौकरी का झांसा देकर विदेश में युवकों को भेजकर गुमराह करते हैं। कोई सख्त एक्शन प्रशासन की तरफ से क्यों नहीं लिया जा रहा है ऐसे मामलों पर रोकथाम के लिए? जी देखिए, ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि प्रशासन द्वारा अब तक ऐसे मामलों में कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए, इसी वजह से एजेंटों के जो हौसले हैं वो आए दिन बुलंद होते रहते हैं। और ये मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है और ये जो ताजा मामला है इसमें तो जो युवक है उनको धोखाधड़ी ही नहीं की गई बल्कि उन्हें फ्रंट मोर्चे पर युद्ध जैसे हालात में आगे कर दिया गया जब जिसमें उनकी जान का भी खतरा है। तो ऐसे हालातों के बावजूद अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो एजेंटों के हौसले बुलंद होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।